क्या मतलब है सालार का? क्यों है ये एक डार्क थ्रिलर फिल्म? सालार को देखकर किसकी याद आई? हेलो दोस्तों, मैं नितिन, आपका स्वागत है हमारे चैनल बॉलीग्रैड स्टूडियोज में। प्रभास के फिल्म का ट्रेलर देखकर आपकी एक्साइटमेंट भी बढ़ चुकी है ना, हम जानते हैं। प्रभास का नाम सुनते ही दर्शकों के दिलों की धड़कन बढ़ जाती है, क्योंकि वो बैक टू बैक फिल्में देकर दर्शकों का मनोरंजन कर रहे हैं। अब देखिए, उनकी आने वाली फिल्म सालार का पोस्टर भी रिलीज हो चुका है, तो अब वक्त बर्बाद ना करके सीधा बात करेंगे फिल्म की। प्रभास साउथ इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा नाम है, बड़े बड़े एक्टर्स की रेस में इनका नाम शामिल है। बाहुबली जैसी बड़ी फिल्म करके इन्होंने सबके होश उड़ा दिए हैं। अब इनकी पहचान प्रभास से बाहुबली प्रभास बन चुकी है। प्रभास अब जल्द ही एक नए अवतार में नजर आएंगे। उनकी फिल्म सालार में आपने देखा है उनका एक्शन अंदाज, फुल कॉन्फिडेंस के साथ प्रभास की चाल, उनका लुक काफी हटके लग रहा है। फिल्म का नाम भी काफी अलग है। आपके लिए बता देते हैं कि सालार का मतलब होता है लीडर, यानी मुखिया। इस फिल्म में मुख्य किरदार सालार को निभाएंगे प्रभास। वहीं प्रभास को चश्मा लगाए, दाढ़ी बढ़ाए, विद फुल एटीट्यूड चलते हुए देखने के बाद आप में से भी कई दर्शकों को शाहिद का कबीर सिंह लुक याद आया होगा, है ना। बता दें, फिल्म में उनके साथ दिखेंगी खूबसूरत श्रुति हसन, जो अपनी खूबसूरती के साथ साथ एक्टिंग का भी कमाल दिखाने वाली हैं। उनके किरदार का नाम होगा आद्या। और इन दोनों ही दिग्गज सितारों के साथ दिखेंगे जगपति बाबू, जो कई फिल्मों में विलन के किरदार निभाते हुए नजर आए हैं। इस फिल्म को कन्नड़ इंडस्ट्री के मशहूर डायरेक्टर प्रशांत नील डायरेक्ट करेंगे। उन्होंने KGF चैप्टर 1 और अभी KGF पार्ट 2 का भी डायरेक्शन किया है। वो कहते हैं कि सालार और KGF 2 दो बहुत ही धमाकेदार फिल्में हैं, पर दोनों भी एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। प्रशांत के कन्नड़ फिल्मों के साथ और भाषाओं में भी डायरेक्शन किया है। सालार एक तेलुगु फिल्म है, पर कन्नड़ डायरेक्टर के साथ पहली बार काम करके हम कह सकते हैं कि प्रभास का कन्नड़ में डेब्यू होने जा रहा है। जैसे ट्रेलर शुरू होता है, धमाके पर धमाके देखने को मिलते हैं। फिल्म में उड़ती गाड़ियां, उनमें लगने वाली आग, उनके बीच छिपे चेहरे फिल्म को एक खतरनाक डार्क शेड में ढकेल देते हैं। इसमें एक्शन ड्रामा से रोमांस तक सब कुछ देखने को मिलने वाला है। ट्रेलर को और मजबूत करने वाली चीज है उनका दमदार म्यूजिक, जिसके पीछे हाथ है रवि बसरूर का। फिल्म की शूटिंग 2021 में ही तेलंगाना में कई जगहों पर शुरू हुई थी, और अब फिल्म पूरी तरह से दर्शकों के सामने आने के लिए तैयार है। मेकर्स के अनुसार 14 अप्रैल 2020 को रिलीज होगी। प्रभास के फैंस तैयार हो जाइए अपने सुपर हीरो की सुपर फाइट देखने के लिए। आपकी राय में फिल्म का बजट कितने करोड़ का होगा? क्या बॉक्स ऑफिस पर प्रभास सबको मात दे पाएंगे? बताइए हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर। इस वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।